ਅੱਜ ਮਸੇ ਬਚਿਆ ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਅੱਲਾ 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 ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਚੀਜ਼ ਬਾਂਟेंगे ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਥੋੜਾ ਸਾ ਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ अब मैंने कहा कि चलो रिक्शा घर ले चलते, क्योंकि हमारे बहन भाई थे वो कह रहे थे कि भाई रिक्शा किधर है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो रिक्शा आज घर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई जगह नहीं है मतलब खड़ा करने के लिए, इसलिए ना इधर लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो रास्ते में मतलब जगह पड़ती है तो उधर से मतलब ले गए, उधर से लेकर आ गए बस, तो बाकी कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे जी। अल्लाह पाक आप सबको खुशाबाद रखे और हमेशा मुस्कुराते रहें। तो जी अभी इस वक्त हमारे रिक्शे की हो रही है सफाई, तो अरशद जो है वो रिक्शे की सफाई कर रहे हैं, इधर भी देख लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहु, तो देख ही रहे हैं बस, फिर इसको वाश करना था, वैसे भी वाश करवाना था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो घर ले चलते हैं, तो घर जाकर इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करते हैं। तो बाकी यहाँ पर तो सही तरह नहीं हो पाया, पानी भी ठंडा है सीधी बात, और पाइप जो है ना वो हमारा छोटा है, तो वो पानी वाला पाइप जो बाहर नहीं आ रहा, अब ये किसी वॉशिंग एरिया में जाकर इंशाल्लाह वॉश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खिला दें, कुछ पिला दें। अच्छा कुछ खिला ही दो, कुछ खिला ही दो। चलो जी जनाब, 7 बज रहे हैं तकरीबन, 7 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, और मुझे काले पे काले आ रहे हैं, जल्दी आ जाए कर, जल्दी आ जाए, बच्चों को छोड़ने जाना था ना इसलिए। तो आज नाश्ता जो हमारा लेट हुआ है, थहरा पर कैच। तो जी नाश्ता कर रही हूँ मैं, ये मेरी वीडियो बना रहे हैं, खड़े रहे, मैं तो कर रही हूँ गरम गरम पराठा। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, मुझे लेट हो रही है तो मैंने भी नाश्ता किया। वाह, मूली वाला पराठा है साथ चाय है, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। कल की वीडियो में कुछ लोग हमारे बहन भाई थे वो कह रहे थे कि तेरा बच्चे ने सलाम तो नहीं किया, क्या नाराज है। तो जनाब हमारी लड़ाई चल रही थी कल से, लेकिन अब सुलह वगैरह थोड़ी बहुत होगी, बाकी कोई नहीं, अल्लाह करम। हां जी, लगी थी लेकिन मैंने कहा शायद रहने देती, आपने बता दिया आज मिठाई बनती है। अच्छा, चलो जी मिठाई आ जाएगी। तो इससे पहले कि ये हमारे परोठे वगैरह खत्म कर दें, मैं भी जनाब थोड़ा बहुत खा लूँ, फिर जनाब उसके बाद मुलाकात होती है। अच्छा सर, मालमो से ले आएंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, नाश्ता हमारा हो चुका है और अभी मैं निकलने लगा हूँ। तो तारा बरकत, आप थोड़ा बहुत क्लिप बना लीजिएगा जितना भी हो सके। हाँ नहीं नहीं, कोशिश नहीं, थोड़ा बहुत ट्राई कीजिएगा कि बन जाए, तो इंशाल्लाह फिर सुबह कह रहा हूँ, शाम को तकरीबन 2-3-4 बजे मिलते हैं। ओके ओके, मैं जाने लगा था, तारा ने रोना शुरू कर दिया, अब पता नहीं किस बात से रो रही है। तारा बरकत क्यों रो रही है, है क्यों रो रही है, चुप करा ना, क्यों है, की क्या ना मारे है, नहीं मजाक नहीं की है, की है नहीं, कोई गलत की थी ना। कुछ भी नहीं होगा, रो रही है क्या, आसरी मैं समझ नहीं आ रही थी। ओए 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 ओए, बहुत बड़े ड्रामे बाद है। मैं अवैध साहब, मैंने पहले ही भी आपको बताया कि ना, समझ गए ना आप, बाकी कोई नहीं, नहीं नहीं मैं वो हम तारा के वालिद की बात कर रहे थे, तो वो थोड़ा बहुत वैसे हंसू तो आए, लेकिन अवैस ने उसको ना स्माइल स्माइल कर दिया, तो लेकिन दुख तो होता है। अल्लाह ताला जिनके भी माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और अच्छा मुकाम दे। तो तारा का वालिद भी फौत हुआ है तकरीबन 10 से 15-20 साल हो गए, इतना ही ना टाइम, 20 साल हो गए तकरीबन, 20 साल। तो ऐसे मतलब कि बैठे थे, तो मैंने कहा कि मैंने आपके बाप का नाम देखे जिंदा रखा हुआ है कि तेरा बरकत, तेरा बरकत, तो वो फिर थोड़ा इमोशनल होगी, इमोशनल। तो बाकी हमारी दुआ है फिर भी कि जिनके भी जो भी दुनिया से मतलब यहाँ से चले गए हैं, बहन भाई हैं या जिनके माँ बाप नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे और अल्लाह ताला उनको जन्नत में खूबसूरत कर दे, आमीन सुम आमीन। तो अभी निकलते हैं और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो 2 बजे है ना वो आपसे मिलते हैं, 2-3 बजे तक इंशाल्लाह वापसी होती है, तो फिर आपसे मुलाकात होती है। ओके जी। तो जी इस वक्त दोनों बाप बेटा चले गए हैं, अरशद भी चला गया और अवैस भी चला गया, और मैं हूँ अकेली, तो सोच रही हूँ कि कोई ना कोई थोड़ा बहुत काम जो है वो कर लूँ, क्योंकि फिर जो है ना काम पड़ा रहे तो वो भी अच्छा नहीं लगता। आज कितने दिन हो गए हैं सफाई नहीं की है, तो थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं, जो चीज़ें समेटने वाली हैं वो समेट लेते हैं। फिलहाल तो अवैस ने अपनी तरफ से ना ये सारी सफाई कर दी है, चारपाइयाँ बिस्तर वगैरह उछाड़ बिस्तर समेट दिए हैं, और चारपाइयों के जो है ना चादरें वगैरह सीधी कर दी हैं, और यहाँ से भी झाड़ू वगैरह
और तपड़ी उसने लगा दी है, झाड़ू पोछा कर दिया उसने, लेकिन कमरे में जो थोड़ी चीजें चीज है ना बिखरी हुई है, कपड़े जैसे उन लोगों ने चेंज किए हैं बदले हैं वैसे बेड पे वो फेंक कर चले गए हैं, तो इनको भी उठाते हैं। और उसके अलावा जो किचन है इसकी भी सफाई करते हैं, ये रोटियां वगैरह बनाई हैं तो ऊपर थोड़ा बहुत जो है ना आटा वगैरह और बर्तन पड़े हैं ये वॉश कर लेते हैं। और उसके अलावा ड्राइंग रूम में जो वो क्या बेड के पास उन्होंने खाना खाया है, नाश्ता वगैरह सच हमने सब ऊपर किया था और चीज़ें लाकर उन्होंने यहीं पे रख दी हैं, अब इनको भी उठा लेते हैं। और उसके बाद जो है ना उनके आने तक जितना सा काम हो गया वो कर लूँगी मैं फिर, क्योंकि ज़्यादा काम करने से फिर मैं बेकार हो जाती हूँ। 2 बज चुके हैं, 2 बजकर 10-15 मिनट हो गए हैं, तो अर्शद आने वाले हैं, उनके लिए रोटी का जो है ना वो करते हैं इंतज़ाम। मूली का मसाला बना हुआ पड़ा है और कड़ी का सालन भी पड़ा है, तो जो काम था वो मैंने सारा कर लिया है। वो बेल बज गई है, काम जो है वो मैंने सारी चीज़ें इधर से भी समेट ली हैं, कमरे में से भी समेट ली हैं, सफाई कर दी है और बर्तन जो है वो भी वॉश कर लिए हैं। अभी इस वक्त उनके रोटी का टाइम हो गया, वो बेल बजी बेल, मैं दरवाज़ा खोलूं तो उनकी रोटी का बनाते हैं या पराठा बनाएंगे, आ गए हैं पूछ लेते हैं, मूली वाला पराठा खाएंगे या कढ़ी के साथ रोटी खाएंगे। तो अभी फ़िलहाल दरवाज़ा खोलते हैं। ओहो, मैं अंदर किचन में खड़ी हुई थी इसलिए, हाँ मैं वीडियो बना रही थी और बता रही थी कि आपके रहने का टाइम हो गया और ऊपर से आपने बेल दे दी, मैंने कहा वाह। वो बस मैंने कहा चलो अब चलते हैं, आज मसे बचे हैं। हाँ एक्सीडेंट होने लगा सी, बस थोड़ा जा रह गया, नहीं तो नार लगना सी। अल्लाह 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 खैर कर, आज जो है ना हम चीज़ बांटेंगे कोई ना कोई, क्योंकि आज काफ़ी थोड़ा सा ना काम खराब होने वाला था, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह ताला जो भी करता है। चलो शुक्र है अल्लाह पाक करम करेगा, बच रही थी और बचत होगी, अल्लाह ने बचा लिया, बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा जी। अभी मैं किचन में खड़ी थी तो मैं सोच रही थी कि पराठा खाएंगे मूली का या कढ़ी वाला सालन पड़ा हुआ है। अब नहीं आया। ओ नहीं क्यों थे, जब साहब ही नहीं आए, पहले मुझसे पहले आए थे लेकिन आज शायद वो लेट हो गए, पता नहीं क्यों ये आ जाता है। हाँ लेट हो गए हैं थोड़ी देर, शायद कोई और उनका पीरियड वगैरह हो गया। चलो आप ऐसा करें फिर, आप ऐसा करें रोटी बनाई नहीं अभी, आप बनाए फिर मैं ना रक्षे की वो थोड़ी सी ना साइड लगी है वैसे भी, वो अगर सेट हो गया कहीं से तो सेट नहीं तो मैं खड़ा करके आता हूँ फिर। चलो ठीक है, ओके ये नहीं जो चीज़ बनानी हो ना वो आप बना लीजिएगा, वो बैर रखें आप। चलो जी मैं आ गया हूँ जनाब वापस, रिक्शा जो वो मैं खड़ा करके आ गया हूँ, लेकिन वो थोड़े बहुत उसकी सेटिंग करवानी थी क्योंकि आज अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह ने बचा लिया यकीन मानो, तो वो जो है ना वो इंशाल्लाह फिर कल जो है ना वो करेंगे। तो खैर बरकत, मुझे लगता है अभी तक खाना बना नहीं बना, खाना बड़ा होता होगा, बना दिया, मेहरबानी बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, जिंदगी तो फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के मान अपना ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों का जरूर ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं हम किस तरह की वीडियो बनाएं आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, और कोई ना कोई कमेंट्स आप लाजमी किया करें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। तेरा बरकत बोतल को मुँह नहीं लगाते, मुँह नहीं लगाया मैंने तैसे किया, जो भी है मुँह नहीं लगाते। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया, ओके।